गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास टेंथ का रियल नंबर का टॉपिक नंबर 2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कौन सा टॉपिक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स रियली में प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम लोग बोलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। इस थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के रूप में, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्योर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस सिस्टम से जिस वे में हम प्राइम फैक्टर को निकालेंगे उसी वे में इसको लिखना भी है। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से किसी को कट कराते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े से, नहीं हो तो हमारा स्टेटमेंट एक्चुअली हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अक्योर। अब इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे होगा। हमने एक एग्जांपल लिया कि 240 जो कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता क्या है? तो कंपोजिट नंबर वैसे सारे नंबर्स को बोलते हैं जिसके फैक्टर दो या दो से अधिक हो, यानी जिसका फैक्टर दो से अधिक हो, दो नहीं दो से अधिक हो। और प्राइम नंबर वो है जिसका फैक्टर ओनली टू होता है, एक तो वो खुद प्राइम नंबर होता है और दूसरा वन होता है, यानी इससे ज्यादा, दो से ज्यादा होना चाहिए कंपोजिट नंबर के फैक्टर। 240 लेते हैं, 240 को हम सबसे पहले सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2 होता है। 2 से कट करेंगे बचेगा 120। जब तक छोटे से होता है तब तक छोटे से करते रहेंगे, अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ा क्या होता है प्राइम नंबर? 3। 3 से इसको कट करेंगे, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से जाएगा, इसको 5 से करते हैं, 5 बन जाए 5। अब इसको जब लिखना होगा 240 को प्राइम फैक्टर के रूप में, लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2, जितना बार 2 है उतना बार लिखेंगे, फिर 3 into 5। यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में इसके प्रोडक्ट्स को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है तो उसको हम लोग उसके पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे यह 2 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 into 3 into 5। और ये जो फैक्टराइजेशन हुआ वो यूनिक फैक्टराइजेशन है। यूनिक का मतलब इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है। जब भी इसको कोई भी करेगा, किसी भी तरीके से करेगा, तो उसको यही फैक्टर्स आएंगे 240 के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक। यानी दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मीन्स इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटे से छोटे कौन से प्राइम नंबर से जाएगा? तो यह है 3। 3 के टेबल कितने बार में? 27। फिर यह 3 से 9 बार में, और यह फिर 9 3 से 3 बार में, 3 3 से 1 बार में। यानी 81 को जब हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3/4, यानी 3/4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। मीन्स 81 का जब भी कोई भी व्यक्ति प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो 3 × 3 × 3 × 3 के फॉर्म में आएगा, यानी 3 टू द पावर 4।
इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो है एक्सरसाइज 1.2 उसको सॉल्व कर चलते हैं। अब हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है। पहला है 140, 156, 38,825, 5,005 एंड 7,429। इन सभी नंबरों को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है। पहला एग्जांपल पहले को सॉल्व करते हैं। 140 हमने बताया है कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से उसको सॉल्व करते हैं, कट करते हैं। यानी सबसे छोटा है 2 से 140 70 बार में, फिर 2 से 70 35 बार में, अब ये 5 से जाएगा 7 बार में, और फिर ये 7 से 1 बार में। यानी 140 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 2 द पावर 2 5 इंटू 7। ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया ये यूनिक है और यही हर कंडीशन में यही संभव भी है। यूनिक का मतलब हुआ कि एनी कंडीशन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। और वो है 156। यानी 156 को फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमें ले जाना है, यानी 2, 27 जा 14 और फिर 128 जा 16, फिर 2 से करेंगे 23 जा 6, 29 जा 18, फिर ये 3 से जाएगा 13 बार में और फिर ये 13 से जाएगा 1 बार में। ये सारे के सारे जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है। ध्यान देना है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यानी 156 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 टू द पावर 2 3 इंटू 13। अब इसी तरीके से आप लोग रेस्ट जितने भी एग्जांपल्स तीन बचे हुए हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। Find the LCM and HCF of following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to products of two number। यानी हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है और ये verify भी करना है कि LCM और HCF का जो product होता है वो दोनों number के products के बराबर होता है। तो LCM और HCF यहाँ दोनों भी निकालेंगे और दोनों के लिए हमें prime factorization method का ही use करना है। सबसे पहले हम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को बनाते हैं। 510 एंड 92। सबसे पहले हम लोग 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कट करेंगे और ये 2 से 225 बार में जाएगा, फिर लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कर लिया पहले, तो 5 से ये 51 बार में जाएगा और फिर 51 को हम लोग 3 से कट करेंगे तो ये 3 से 17 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब 17 जो है वो 1 बार में 17 से कट हो गया। यानी 510 को क्या लिखेंगे हम लोग, अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार 92 का निकाल लेंगे, 2 से 2 4 जा 8 2 6 जा 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 23
नहीं, अब 92 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 23। अब हमें इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF में कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो जो कॉमन है वो HCF के रूप में लिखा जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी HCF हो गया HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू 2। ये हो गया HCF। LCM, LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखते हैं, और बाकी जो नहीं कॉमन होते हैं वो सबको हम लोग लिख देते हैं। यानी एक ही पेयर 2 का जो कॉमन है तो एक बार 2 लिख दिए, फिर इसमें जितना बचा 3, 5, 17 और यहाँ जो बचा 2 × 2 = 23, यानी इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 32 = 60। 60 को 17 से करना है और फिर 23 से, 60 को 17 से कर लेंगे। टेन हंड्रेड ट्वेंटी आ गया, अब इसको 23 से करना है, 3 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 से 0 करेंगे फिर 0, फिर 3 × 3 = 3। 2 अंक का गुना है तो पहले को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे से करते हैं, 2 × 0 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 0, 2 × 2 = 0, 2 × 2 = 0, 6 = 4, 3 × 2, यानी इसका एलसीएम आ गया 23,460। HCF में बस हम लोग कॉमन वाले को लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन वाले के अलावा भी जो जो बचता है उसको एलसीएम में लिख के उसका प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं। HCF और एलसीएम में अंतर है, HCF में बस हम लोग कॉमन जो फैक्टर दोनों के हुए हैं उसी को HCF में लिख सकते हैं, लेकिन एलसीएम में उस कॉमन को तो लिखते ही हैं, उसके अलावा जो जो दोनों में बच गया प्राइम फैक्टर्स सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो HCF आ गया इसका 2 और एलसीएम हो गया 23,460। अब वेरीफाई करना है इसको, और वेरीफाई कैसे करेंगे तो वो है LCM into HCF is equal to product of two number। इधर जो LCM और HCF आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर जो दोनों नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा ये वेरीफाइड हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920, और उन दोनों को करते हैं 46,920 आ गया। यानी LCM और HCF को मल्टीप्लाई किए तो भी 46,920 आया, और दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किए तो भी हमारा 46,920 आ गया। यानी हमारा LHS, इसको बोलते हैं हम लोग LHS और ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ की जब वैल्यू इक्वल आ जाता है तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? नहीं, फिर से एक बार देखिए इसको, हमने क्या किया, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें पहले एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और फिर उसके लिए वेरीफाइड करना है इस स्टेटमेंट को।
ये वाला थोड़ा इजी था, इसको छोड़ दिए आप लोगों के लिए। ये वाला हमने बनाया है 510 और 92 को। 510 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आया था हमारा 2 × 3 × 5 × 17। और 92 का जब हमने किया था तो ये आया था 2 × 2 = 23। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 2 × 23। 510 का जब हमने किया तो यह आया 2 × 3 × 5 × 17। हम तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसी प्राइम नंबर को हम लिखते हैं। अगर दो आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीन आएगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक ही आता है तो वही का वही आंसर रह जाता है। यानी यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और एक ही ऐसा पेयर है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा HCF इसका आ गया क्या 2। LCM के लिए हमने बोला था कि कॉमन को तो लिखते ही है और उसके अलावा जितने बचते हैं, तो ये 2 तो कॉमन है ही, इसके अलावा इसमें 3, 5, 17 बच गया और इसमें बचा 2 × 23। अब इस सबको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 23,460, यानी 23,460, और HCF आ गया 2। अब इसको वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि LCM into HCF is equal to product of two number। ठीक है बच्चों, तो LCM और HCF को एक तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर को एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि दोनों इक्वल आया या नहीं। यानी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड भी वही है वैल्यू आया, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू वही है, तो हम इसको लिख रहे हैं कि ये वेरीफाइड है। यानी ये स्टेटमेंट इस के LCM और HCF के साथ वेरीफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द LCM एंड HCF फॉलोइंग टेबल बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी LCM भी निकालना है और HCF भी, मेथड क्या होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप शुरू से पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्या है 12 का निकालना है 15, 21 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ट्वेल्व का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 15 का निकालते हैं 3 5 जा 5 1 जा। 21 का निकालते हैं 3 7 जा और 7 1 जा। सबको उसके प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख देंगे, 2 × 2 × 3 = 15, 3 × 5, और 21 को लिखेंगे 3 × 7। HCF के लिए हमने बताया था कि HCF क्या होगा, जो तीनों में, वहां तो दो था तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया वो HCF हो गया, यहाँ तीनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो HCF हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। यानी 3 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में आता हो, बस 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया और 3 यहाँ भी आया। तो HCF जो होगा HCF 12, 15 and 21 = 3। LCM के लिए हमने क्या बताया था कि इस जो कॉमन आया उसको तो लिखते ही हैं, उसके अलावा जो जो बच जाते हैं सबके अंदर, सब में जो जो बच गया उसको भी वहां लिखते हैं LCM में। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM ऑफ 12, 15 and 21 = 2। ये कॉमन 3 आया है और इसमें बचा 2 × 2, इसमें बचा 5, वो भी लिख लेंगे, और इसमें बचा 7। तो जो जो बचा और कॉमन जो था सबको एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, 67 = 420। ये हो गया इसका LCM। फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ इंटीग्रल फॉलोइंग इंटीग्रल अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करके ही निकालना है। तो हम 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाले तो वो 2 × 2 × 3 आया, 15 का निकाले तो 3 × 5 आया, और 21 का जब निकालते हैं तो वो 3 × 7 आता है। अब तीनों के प्राइम फैक्टर को एक साथ उसके सामने लिख दिया, ठीक है। फिर तीनों में जो कॉमन होता है उस कॉमन वाले को एचसीएफ के रूप में लिखते हैं। यानी तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 3 3 3, यानी 3 HCF हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कॉमन के अलावे भी जो जो बच जाते हैं सबके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स वाले नंबर, यानी 2 और 2 यहाँ बच गया 12 में, 15 में 5 बचा और 21 में 7 बचा। तो इस 3 के साथ जो जो बच जाते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और वो आया 420, ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ दो से अधिक नंबर का निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गिवन एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and 657। तो हम लोग जानते क्या है, हम पहले फार्मूला जो वेरीफाइड किए हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर, उसी फार्मूला को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। देखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस स्टेटमेंट को आपको हमेशा याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम ही छोड़ देंगे, और एचसीएफ दिया हुआ है 9, उसको लिख लिया यहाँ पे, और प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर यानी तीन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 306 × 657। हमने इस स्टेटमेंट पे जो जो दिया हुआ चीज है उसको लिख लिया। क्या दिया था, एचसीएफ गिवन रेट है 9 और दोनों नंबर दिया हुआ है 306 और 657। अब वी नो दैट, हमने बताया कि हमने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेरीफाइड किया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखेंगे और जो जो चीज दिया है उसको वहां पर पुट करेंगे। यानी हमने एलसीएम नहीं दिया था तो एलसीएम को एलसीएम ही छोड़ दिया, एचसीएफ दिया हुआ है 9 हमने लिख लिया, और दोनों नंबर्स दिए हुए उसका प्रोडक्ट यहाँ पे यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। एलसीएम को आप यहीं छोड़ दीजिए और इन दोनों नंबर को जो ऊपर है और इधर से ये नंबर जो मल्टीप्लाई वाला है उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, यानी दोनों नंबर्स को डिवाइड। अब 9 के टेबल से हमें देखना है इसको कटाना है, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 बचा 3 और 6 = 36, यानी 9 × 4 = 36, यानी 34 बार में 9 से पूरा पूरा ये 306 कट गया। अब इस 34 को हमें 657 से मल्टीप्लाई कर देना है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 6 × 5 = 34, 7 × 4 = 28, 2 × 4 = 22, 22 × 2 = 6 × 24 = 26। दो डिजिट का मल्टीप्लाई में फर्स्ट डिजिट को छोड़ते हैं तब सेकंड डिजिट से करते हैं, तो 7 × 3 = 21, 2 × 5 = 15 और 2 = 17, 1 × 6 = 18 और 1 = 19। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 × 8 = 213, 7 × 6 = 13, 9 × 2 = 11 और 1 = 12, और ये 1 और 1 = 2, यानी 22,338 इज द आंसर। यानी एलसीएम जो होगा वो 22,338 होगा। अब किसी भी दो नंबर दिए हुए हैं या एलसीएम दिया हुआ है ये दोनों नंबर का, या फिर केवल एचसीएफ दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है,
क्योंकि एक चीज हमें मालूम है, या तो एलसीएम मालूम है या तो एचसीएफ मालूम है। उस कंडीशन में हम कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हमें बस इस स्टेटमेंट के आधार पे उसको सॉल्व करना है। जो दिया है उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया है वो खुद ब खुद आ जाएगा। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम नहीं दिया था एचसीएफ दिया था, हमने लिखा दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर लिखा, फिर इधर से मल्टीप्लाई जो एचसीएफ था उधर जाके उन दोनों को डिवाइड किया, और डिवाइड करके ये कट हुआ 34 बार में 306। अब 34 से 657 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 22,338, और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। यानी 6 का पावर n, n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc, तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 के साथ खत्म होगा। 0 के साथ खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 0 होना चाहिए। देखते हैं 6 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब कीजिएगा तो 2 इंटू 3 के रूप में आएगा, और 6 का पावर n था तो 2 इंटू 3 का पावर भी n हो जाएगा। अब इस n से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। अब यूनिट डिजिट किस कंडीशन में 0 होगा, यूनिट डिजिट 0 होने के लिए आपको जो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होगा वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। यूनिट डिजिट तभी 0 आएगा जब कोई भी डिजिट 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट्स के रूप में होगा और उसका पावर कुछ भी हो। यानी इसका पावर अगर n है, 2 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर है और पावर n है, तो ये डिजिट जो है वो खत्म होगा 0 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर के लिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है 2 और 5 के अलावा एनी डिजिट्स आते हैं अगर किसी के प्राइम फैक्टर में, तो वो उसका पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो हमने देखा कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 3 के पावर n के रूप में आया, जो कि इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये नंबर कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होगा, यानी इसका पावर n जो है वो कभी भी 0 के साथ नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 के फॉर्म में नहीं आया, यानी 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं आया। लिखेंगे हम 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर इज 2 इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, यानी 6 की 2 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर इज 2 इंटू 3। एनी नंबर is ended with 0 when its factor is in the form of 2 into 5 to the power n। कोई भी नंबर 0 के साथ तभी इंड करेगा जब उसका फैक्टर 2 इंटू 5 के पावर n के रूप में आया। यहाँ 6 का जो हम लोगों ने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 इंटू 3 के पावर n के रूप में आया, सो ये कभी भी नहीं होगा 0 के साथ। 6 टू दी पावर n का वैल्यू कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होगा। नहीं होगा क्यों, क्योंकि हमें 0 के साथ खत्म करना है तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो 2 और 5 ही होना चाहिए। यह है 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ, उसमें दो लोग उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन अराउंड द फील्ड।
सोनिया उसको कवर करने में 18 मिनट लगाती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यानी सेम काम के लिए रवि 12 मिनट लगाता है और सानिया सोनिया उसको 18 मिनट्स में मतलब कवर करती है पूरे फील्ड को। सपोज दे बोथ स्टार्ट, मान लेना है कि दोनों ने स्टार्ट किया एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट यानी एक ही जगह से दोनों ने घूमना शुरू किया और सेम टाइम पे शुरू किया और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक ही जगह से एक ही दिशा में एक ही साथ दो व्यक्ति किसी फील्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं और उन दोनों का घूमने का जो स्पीड है, मूविंग स्पीड जो है वो अलग अलग है, तो कितने मिनट बाद दोनों एक जगह फिर से मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करना है हमें, हमें इन दोनों के टाइमिंग का एलसीएम निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो जिस मेथड से इसमें बना रहे हैं उसी मेथड का यूज करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर बेस्ड है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है, तो हमें यहाँ कभी भी निकालना है एलसीएम हो या एचसीएफ हो, हमें फंडामेंटल थ्योरम को ही लगाना है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड को ही लगा के बनाना है। सॉल्यूशन है, इट कैन बी ऑब्जर्व, हमने देखा है कि रवि टेक्स लेसर टाइम, यानी रवि कम समय ले रहा है सोनिया से, सो दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसलिए वे दोनों कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद मिलेंगे। फॉर दिस वी फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ, मतलब इसके लिए हमें दोनों का एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम मींस दोनों के टाइम टेकन है जो लग रहा है कंप्लीट करने में फील्ड का, उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो उस फील्ड के चारों तरफ दोनों को जो टाइमिंग लग रहे हैं उस टाइमिंग का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। इसके लिए हम पहले 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम 12 का करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यहाँ 2 9 18, 3 3 19 और 3 1 3, यानी 18 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3, 12 का हो गया 2 × 2 × 3। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि दोनों में पहले कॉमन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, तो ये 2 कॉमन हो गया और एक 3 दोनों में कॉमन है, एक में 3 है तो एक में 2 बच रहा है, यानी ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन हुआ और यहाँ पे 3 कॉमन हुआ, तो एलसीएम क्या हुआ इसका, एलसीएम 18 12 = पहले जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं दोनों के लिए, दोनों 2 के लिए एक ही 2, दोनों 3 के लिए एक ही 3, अब इसमें बचा है 3 उसको लिख लेंगे और इसमें बचा है 2 उसको लिख लेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए सारे का, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, यानी ये मिनट्स में आएगा क्योंकि मिनट्स में ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 36 मिनट्स के बाद दोनों व्यक्ति, दोनों जो है रवि और सोनिया, एक दूसरे से मिलेंगे, लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ये आंसर हो गया। और ये 1.2 चैप्टर का हमने आज क्या किया, 7 क्वेश्चन जो थे इसके अंदर, 7 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है,
जिसमें दो एक या दो से अधिक क्वेश्चन थे या दो से अधिक थे, उसमें हमने एक आपको बताया है, बाकी जो बच रहा है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो हमने फर्स्ट नंबर का एक क्वेश्चन बताया है, उसके आधार पे उसका सारा बनेगा। टू नंबर का हमने भी बताया है, टू नंबर का भी, तो टू नंबर का भी हमने एक एग्जाम्पल बताया है आपको, बाकी दो खुद से बना लेना है। थ्री नंबर का भी हमने एक बताया है, बाकी जो दो बच रहा है वो खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है और उसके एप्लीकेशन को हमने सॉल्व किया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, ये जस्ट लाइक ए फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख देना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस आप लोगों ने फैक्टराइजेशन को पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन को, उसी को मतलब माइंड को रीसेट कीजिए कि हमने पिछले कक्षा में कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, तो उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ भी करना है, बस उसका नाम बदल गया है और वो हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूटिलाइज करके एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, या फिर दोनों नंबर दिए हैं तो उसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं या मिसिंग एलसीएम है या एचसीएफ है उसको सॉल्व किया। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरी तरह से अब देखे क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन, उसके बेस्ड एप्लीकेशन को सॉल्व किया 1 से लेके 7 तक। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।